दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। मेरा नाम आदर्श रामन है और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप लोगों की मदद करीबियन प्रीमियर लीग की गेम नंबर 28 जो खेला जाएगा जमैका तलवास और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच में। इस मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बनाने में मैं आपकी मदद करने वाला हूं और ढेर सारी पॉइंट्स जीतने के लिए आपकी मदद मैं करने वाला हूं। अगर आपको रियल टाइम लाइव फैंटेसी अपडेट्स चाहिए तो फिर आपको बस एक ही काम करना है, क्रिक ट्रैकर के टेलीग्राम पेज को जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वेन्यू और वेदर की अगर हम बात करेंगे तो फिर वही वेन्यू है, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम। यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 गेम्स की 122 की है और अगर यहां पर वेदर का आप देखोगे तो फिर 32 डिग्रीज का फोरकास्ट है। बारिश ऐसा कुछ बड़ा प्रेडिक्शन है नहीं, लेकिन कल के गेम में बारिश की वजह से एक गेम पूरा अबैंडन हो चुका था, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि बारिश इज इट गोना प्ले स्पॉल स्पॉट और नॉट। तो चलिए दोस्तों फटाफट से टीम की शुरुआत कर लेते हैं बनाते हुए विकेट कीपर्स के साथ। सबसे पहले हमारे इस टीम में एक ही विकेट कीपर है और वो है ग्लेन फिलिप्स। अगर ग्लेन फिलिप्स के बारे में बात करना है तो फिर काफी अच्छा सीजन रहा उनका, 248 रन इन दिस सीजन, हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, आपको पॉइंट्स 100% दिलाने वाले हैं। अगला हम बात करेंगे हमारे इस टीम के बल्लेबाजों के बारे में। हमारे इस टीम में 3 बल्लेबाज हैं, ट्रूमा बॉनर, जेमिन ब्लैकवुड और आखिर में काइल मेयर्स। अगर हम पहले जमैकन तलवास के इन 2 बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे तो फिर दे नीड टू स्टेप अप राइट नाउ। उनका इतना अच्छा सीपीएल रहा नहीं है, दे नॉट हैड ग्रेट परफॉर्मेंसेस, बट नाउ इज द राइट टाइम फॉर देम टू स्टेप अप फॉर देयर टीम। और आखिर में हम बात करेंगे काइल मेयर्स के बारे में। आई थिंक बारबाडोस ट्राइडेंट्स की जैसी सीजन गई है, दे आर ऑलमोस्ट इन द बॉटम ऑफ द टेबल, डेफिनेटली नॉट गोइंग टू क्वालिफाई। ऐसे एक टीम का वन ऑफ द सिल्वर लाइनिंग्स, रेयर सिल्वर लाइनिंग्स हैज बीन काइल मेयर्स, 222 रन इन दिस सीजन, आपको पॉइंट्स नो मैटर व्हाट ही इज गोइंग टू गिव यू। अगला हम बात करेंगे हमारे इस टीम के ऑलराउंडर्स के बारे में। हमारे इस टीम के ऑलराउंडर्स 4 हैं, एंड्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, जेसन होल्डर और फिर मिचेल सैंटनर। अगर हम बात करेंगे ड्रे रस के बारे में, काफी अच्छा सीजन रहा है, 166 रन विद द बैट, पिछले गेम में ही स्कोर्ड अ क्विक 550 ऑफ 23, सो कमिंग इनटू दिस गेम विद गुड फॉर्म इन हैंड। अगला हम बात करेंगे कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में, hasn't had the greatest of CPLs, लेकिन he is also coming into this game with decent form, 21 of 16 in the last game and also picked up a couple of wickets. अगर जेसन होल्डर की बात करेंगे, he is also like Kyle Mayers, one of those rare silver linings है Barbados Tridents के लिए season के, he has 123 runs to his name और उन्होंने ली है 9 विकेट साथ में। और आखिर में हम बात करेंगे मिचेल सैंटनर के बारे में, 110 रन बनाया उन्होंने और 9 विकेट भी साथ में ली है, एंड ऑल दीज 4 प्लेयर्स आर टेरिफिक फील्डर्स ऑल्सो। तो ये रहे मेरे इस टीम के ऑलराउंडर्स। आखिर में हम बात करेंगे मेरे इस टीम के गेंदबाजों के बारे में। हमारे इस टीम में हमने लिए हैं 3 गेंदबाजों को, ऑल 3 रिस्ट स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, जैसे भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हमारे इस टीम के स्पिनर्स हैं मुजीबुर रहमान, संदीप लामिचेन और राशिद खान। मुजीब की अगर बात करेंगे तो इस सीजन काफी अच्छा रहा उनका, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सीजन के विद 13 विकेट्स टू हिज नेम, ही इज बीन टेरिफिक। और अगर हम बाकी 2 लेग स्पिनर्स के बारे में बात करेंगे, संदीप लामिचेन और राशिद खान के बारे में, दोनों ने 10 विकेट ली है, दे हैव बीन वेरी इकोनॉमिकल और राशिद खान कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट। So this completes my final Dream 11 team इस गेम की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टीम अच्छी लगती है। अगर आप देखोगे other than Andre Russell और मुजीबुर रहमान, अगर आप किसी और को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, आपके बहुत ऑप्शंस हैं। आपके हाथ में जेसन होल्डर हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, राशिद खान हैं, संदीप लामिचेन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जमैका तलवास को ये गेम जीतना बहुत जरूरी है, दे ऑब्वियसली आर गोइंग टू क्वालिफाई, लेकिन ये गेम जीतना उनको बहुत जरूरी है। तो फिर दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टीम आपको पसंद आ गई, उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे टिप्स आपके काम आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट में मुझे आपकी ड्रीम 11 टीम क्या है ये भी बता देना, और आखिर में अगर अब तक किया नहीं है फिर क्रिक ट्रैकर के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर देना, और रियल टाइम लाइव फैंटेसी अपडेट्स पाने के लिए क्रिक ट्रैकर के टेलीग्राम पेज को आप एक बार देख लो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लग गई आपको और मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ।